जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे एओसी जो आपकी फायरमैन और ट्रेड्समैन का भर्ती पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने का मतलब आपका रिजल्ट जो है दोस्तों जारी कर दिया गया है। ज्वाइनिंग ऐसे ही रखा जाता है कि आपका जो है, लेकिन उससे जो है नई भर्ती पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ज्वाइनिंग को। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन हुआ नहीं है, अब नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको नई भर्ती के बारे में काफ़ी सारे जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका कमेंट आ रहा है उनके बारे में एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन जो है हम आपको देने वाले हैं, और उसके बारे में आपको जो है कम्प्लीटली कि किन किन पदों पर जो आपकी भर्ती होगी और यहाँ पर कौन कैंडिडेट भाग ले पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपकी जो एओसी है फायरमैन का, यहाँ पे पहले जो भर्ती कंडक्ट करवाया इन्होंने, यहाँ पे पहले चार पदों पे नोटिफिकेशन निकाले थे। वो चार पद कौन से थे एक बार फास्टली आप सुन लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट, फायरमैन और ट्रेड्समैन, और इसके अलावा एक पद अभी भी बाकी पड़ा है जिसका नाम है JOA, जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर। दोस्तों, इसका यहाँ पे अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपकी नई वैकेंसी की, तो हमें इतना तो कन्फर्म पता है कि जो आपका JOA पड़ा है इसका तो भर्ती कन्फर्म करवाना पड़ेगा AOC को, क्योंकि इन्होंने वैकेंसी यहाँ पे निकाली थी। और पूरा पूरा दोस्तों चांस है कि जैसे मटेरियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और कंडक्ट होने के बाद उनका जब रिजल्ट जारी हुआ था दोस्तों लगभग 11 फरवरी को रिजल्ट जारी किया गया था, और दिसंबर में शायद एग्ज़ाम थे, और उसके बाद तुरंत दोस्तों आपका ट्रेड्समैन और यहाँ पे जो फायरमैन है उसका नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे AOC निकाल दिया था। अब यहाँ पे अगर वैकेंसी आती है तो आपकी जो JOA और दोस्तों विद, मुझे लग रहा है कि जो आपके ग्रुप सी के जो पद हैं, जो आपकी प्रीवियसली जो वैकेंसी आई थी जिसमें एलडीसी की भी बहुत ज़बरदस्त पद थे, जिसमें दोस्तों 100+ आपके पद थे। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी जो बचती है वो आपकी कारपेंटर, और इसके अलावा तो वो ग्रुप सी वाली सारी वैकेंसी, कुक वगैरह जो जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, इसके साथ ही आपकी जो ITI वाली वैकेंसी है वो भी, क्योंकि दोस्तों 2017 के बाद AOC में कोई ऐसी भर्ती हुई ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पे अपडेट हो सकती है कि जैसे ही दोस्तों आपका फायरमैन और ट्रेड्समैन यहाँ पे कम्प्लीट होता है, क्योंकि रिजल्ट आपका फाइनली जारी हो चुका है, अब जो बचा है वो केवल और केवल आपका यहाँ पर जो है दोस्तों केवल और केवल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग। तो ये बस तीन चीज़ें बची हुई हैं। ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपके यहाँ पे AOC जो है नई भर्ती दोस्तों लेकर ज़रूर आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे JOA की जो भर्ती होगी उसमें तो दोस्तों आपको पता है डिग्री, डिप्लोमा, सारी चीज़ें मांगी जाएगी। इसके अलावा जो आपकी ग्रुप सी की जैसे LDC के पद होंगे तो आप 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी कारपेंटर वगैरह जो भी होंगी, एक कुछ कैंडिडेट होंगे जो आपकी ITI फील्ड से रिलेटेड होगी, उनमें ITI मांगी जाएगी। इसके अलावा जैसे MTS चौकीदार हो गया, कुक हो गया, इसके बाद जो है आपकी यहाँ पे कारपेंटर हो गया, पेंटर, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पद हैं जिनमें आप केवल 10वीं पास कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकेंगे। तो ये भर्ती दोस्तों इसी जो है मौका है, चांस हैं कि जो है आने के पूरे चांस हैं कि आपकी जो है ये सारी प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होती है, तो कंप्लीट होने के बाद AOC कुछ विचार ऐसा कर सकती है। अभी कोई आप जो है भर्ती सोच रहे हैं कि जस्ट आपकी भर्ती आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी दोस्तों नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके AOC में बहुत सारे कैंडिडेट की उम्मीद थी कि फायरमैन और ट्रेड्समैन में अपना सिलेक्शन हो जाएगा, बट नहीं हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी कोई कंफर्म डेट तो नहीं कह सकते कि आपका इस तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन दोस्तों जिस आधार पे आपकी जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है कि ये जो भर्ती हैं, ये पद अभी आपके बाकी पड़े हुए हैं। फायरमैन और ट्रेड्समैन की तो भर्ती हो चुकी है, तो इसके अगर पद आते भी हैं फुल डिटेल नोटिफिकेशन में, अगर बड़े पदों पर भर्ती होती है तो दोस्तों कोई ज़्यादा पद नहीं देखने को मिलेंगे, या तो 40 या 50 या फिर इससे कम ही
और इसके अलावा जो ट्रेड्समैन मेट है उसमें भी आपको बहुत ही कम पद जो है दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों काफ़ी जितने भी बच्चे हैं वो क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट जारी हुआ तो उनके मन में यही चीज़ें चली कि अब जो है नई भर्ती कब तक रिलीज होगी। तो अभी इसकी कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन या फिर दोस्तों जो नोटिफिकेशन पिछली जो आपकी जारी की गई थी उसी के आधार पे हम जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब जो आपकी AOC भर्ती कंडक्ट करवाएगा और कब जो है, क्योंकि AOC कभी पहले जानकारी देता ही नहीं है, या तो आपकी जो है ये जानकारी यहाँ पे DOP की साइट पे आती है दोस्तों, जो हम अपने जो वेबसाइट है studymaterial.A2Z.in जिसपे आपको सब कुछ अपडेट वहाँ पे आपको लगातार कर देते हैं। तो आप अभी वहाँ पे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे भी आपको सारी अपडेट सबसे पहले सबसे फास्टली जितनी भी ऑफलाइन आपकी भर्तियाँ कंडक्ट होती हैं वह आपको यकीन दिलाते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कवरेज अगर हमारी रहती है तो ऑफलाइन भर्ती की हम बहुत ज़्यादा कवरेज करते हैं। और अपने साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब चैनल पे, वो ज़्यादातर बच्चे अपने यहाँ पे ऑफलाइन भर्ती से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं भाई जो मैसेज कर रहे थे, तो आप सबका हालांकि अब जो है मैंने रिप्लाई कर दिया है कि क्या क्या प्रोसेस है, जो है कैसे भर्ती आपकी होने वाली है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, बस केवल एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से आपको जो है वीडियो बना दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली अपकमिंग जितनी भी आपकी ऑफलाइन पूरे भारत भर की जो भी भर्ती होती हैं अपनी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, अपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप सब पर आपको शेयर कर दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे रखे हैं। जय हिंद।